नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी न्यूज़। आज हम इस वीडियो में 13 और 14 जुलाई के एग्ज़ाम रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो सकते हैं उन्हें हम यहाँ सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बोइंग ने भारतीय वायुसेना को कौन सा हेलीकॉप्टर सौंपा है? ऑप्शंस हैं चिनुक, अपाचे, जगुआर और ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो अभी हाल ही में बोइंग ने भारतीय वायुसेना को 22 अपाचे कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और 15 चिनुक चॉपर सौंपे हैं, तो इसमें आंसर ऑप्शन डी ए और बी दोनों है। भारत अपाचे हेलीकॉप्टर का चयन करने वाला 17 देशों में से एक है और इसका सबसे अच्छा मॉडल AH-64E अपाचे है। अपाचे के इस मॉडल को एक ओपन सिस्टम आर्किटेक्चर के साथ डिज़ाइन किया गया है जो नए टेक्नोलॉजी से लैस है। सेकंड क्वेश्चन है, भारत की पहली ई लॉक अदालत का आयोजन किस राज्य में किया गया है? ऑप्शंस हैं झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो 11 जुलाई 2020 को छत्तीसगढ़ में एक ई लॉक अदालत का आयोजन किया गया है, तो इसमें उत्तर ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ सही है। इसका आयोजन पेंडिंग मामलों को तेज़ी से निपटाने के लिए किया गया है। इसका उद्घाटन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्र मेनन ने किया है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और गवर्नर अनुसुईया उइके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लिपकार्ट ने किस राज्य सरकार के साथ MSME के साथ समझौता किया है? ऑप्शंस हैं कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और केरल। तो फ्लिपकार्ट ने कर्नाटक सरकार के साथ कला शिल्प हथकरघा क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए MSME और लघु उद्योगों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो इसमें उत्तर ऑप्शन ए कर्नाटक सही है। फ्लिपकार्ट इन्हें ई कॉमर्स क्षेत्रों पर लाएगा और बाज़ार में उनकी पहुंच बढ़ाएगा। फ्लिपकार्ट भारत की एक ई कॉमर्स कंपनी है। इसका मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। इसकी स्थापना सन 2007 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के स्नातक सचिन बंसल और बिन्नी बंसल द्वारा की गई थी। इस वक्त फ्लिपकार्ट के CEO कल्याण कृष्णमूर्ति हैं। और कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं और गवर्नर वजूभाई वाला हैं। अगला प्रश्न है, भारत में असॉल्ट राइफल्स अरद और कार्मेल निर्मित किया जाएगा, यह किस देश से संबंधित है? ऑप्शंस हैं रूस, अमेरिका, इजराइल और फ्रांस। भारत छोटे हथियारों के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इजरायली असॉल्ट राइफल्स अरद और कार्मेल के निर्माण भारत में ही करेगा, तो इसमें उत्तर ऑप्शन सी इजराइल सही है। इससे घरेलू लघु हथियार उद्योग में मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा मिलेगा। इन राइफल्स का निर्माण इजराइल वेपन सिस्टम के सहयोग से स्थापित PLR संयंत्र में किया जाएगा। PLR का फुल फॉर्म है पिस्टल लॉन्ग रेंज भारतीय संयुक्त उद्योग कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही कम ज्ञात आदि जनजाति में तांगाम समुदाय किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शंस हैं नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और असम। तो बहुत ही कम ज्ञात आदि जनजाति में तांगाम समुदाय अरुणाचल प्रदेश से संबंधित हैं। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने तांगाम जनजाति पर एक पुस्तक लिखी है जिसका शीर्षक है तांगाम एन एथनोलॉजी स्टडीज़ ऑफ द क्रिटिकली एंडेंजर्ड ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने रोको टोको कैंपेन की शुरुआत की है? ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। तो मध्य प्रदेश सरकार अब उन लोगों के लिए एक रोको टोको अभियान चलाएगी जो मास्क नहीं पहनते हैं, तो इसमें उत्तर ऑप्शन ए मध्य प्रदेश सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य से भारतीय रेलवे ने सूखी मिर्च का परिवहन बांग्लादेश को किया है? ऑप्शंस हैं पश्चिम बंगाल, असम, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा। तो पहली बार भारतीय रेलवे ने आंध्र प्रदेश से सूखी मिर्च पार्सल ट्रेन लोड की जो बांग्लादेश में जाएगी, तो इसमें उत्तर ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश सही है। आंध्र प्रदेश में गुंटूर और इसके आसपास के क्षेत्रों में मिर्च की खेती की जाती है,
जो विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 किसने जीता है? ऑप्शंस हैं गेल, NTPC, ONGC, OICL। तो अभी हाल ही में CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 NTPC ने जीता है, तो इसमें उत्तर ऑप्शन बी NTPC सही है। CII का फुल फॉर्म होता है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी NTPC लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी है। सन 2016 में विश्व की 2000 सबसे बड़ी कंपनियों में NTPC का 400वां स्थान है। मई 2010 को NTPC यह प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाली सम्मानित 4 कंपनियों में से एक थी। NTPC की स्थापना 1975 में हुई थी और वर्तमान में इसके CEO गुरदीप सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दूरदर्शन को छोड़कर सभी भारतीय न्यूज़ चैनल्स को बैन कर दिया है? ऑप्शंस हैं श्रीलंका, चाइना, पाकिस्तान और नेपाल। तो अभी हाल ही में नेपाल ने दूरदर्शन को छोड़कर सभी भारतीय न्यूज़ चैनल्स को बैन कर दिया है। नेपाल ने ये बैन उनके प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली पर अपमानजनक प्रसारण के लिए किया है। लास्ट क्वेश्चन है, पोलैंड के राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता है? ऑप्शंस हैं रोजर डूडा, एंड्रेज डूडा, बोर्निस्लो कोमोरोस्की और अगाटा कॉर्नहॉस। तो अभी हाल ही में पोलैंड के राष्ट्रपति पद का चुनाव एंड्रेज डूडा ने जीता है, तो इसमें उत्तर ऑप्शन बी सही है। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।